हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आइडियाज़। यूज़ 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में जो वो मैसिव कंडीशन थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट थी मैं। इनफैक्ट मैं सऊदी अरेबिया में होती हूँ, लेकिन फिर भी इमरान खान की जो एबडक्शन थी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। सो आज आप लोगों के लिए जो है एक वीडियो लाई हूँ, जिसमें मैं इंडियन ब्रोकेड मैसूरी क्रश स्टफ़ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और इसको परचेजिंग मेथड जो है वो, उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर लास्ट पे मैंने आप लोगों को दे दिया, आप लोग इजीली यहाँ पे जाके परचेज़ कर सकती हैं। आजकल ये स्टफ़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, और स्पेशली इसके प्लाजो या फिर इसके जो फ्रॉक्स वगैरह हैं, लॉन्ग फ्रॉक्स वगैरह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। चाहे वो यंग गर्ल्स हों, लेडीज़ हों, या फिर छोटी बच्चियाँ हों, सारों में ही ये स्टफ़ जो है वो बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसके कलर्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आप लोगों को जो भी कलर इसमें से पसंद आता है तो आप लोग क्या करें कि इसमें से सिलेक्ट करें और जो है वो एंड पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, वहाँ से आसानी से घर बैठे बिठाए परचेज़ कर लें। तो व्यूअर्स, ये जो स्टफ़ है ये थोड़ा सा सिल्क में है। आप लोग चाहें तो इसके नीचे जो है सूती स्टफ़ लेकर इसकी लाइनिंग करके आप लोग ईद पे भी ये ड्रेस बनवा सकती हैं। सूती स्टफ़ की लाइनिंग से ये होता है कि कपड़ा जो है वो गर्म महसूस नहीं होता है, पसीना वगैरह अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो पहनने में जो है काफ़ी ईजी होता है। व्यूअर्स, आज की वीडियो मेरी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमेशा की तरह मुझे आपके कमेंट का रहता है इंतज़ार। और इसमें से आप लोगों को क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए एवरग्रीन आइडियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।